दोस्तों, चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद हिस्सा झड़प हुआ। तो आपको बता दें कि लद्दाख की गालवान वैली में चीन के सैनिक के साथ भारत के सैनिक का झड़प हो गया और इस झड़प में भारत के कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। चीन के बीच 5 जवान मारे गए और 11 घायल हो गए। तो दोस्तों, आपको आइए बताते हैं विस्तार से ये खबर। घटना सोमवार रात की है, जब गालवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं तनाव कम करने की कोशिश में लगी थी। भारत के जवानों की शहादत के बाद चीन की धमकी का भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर अब बड़े तनाव में तब्दील हो जा रहे हैं और सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इससे भारत के 1 कर्नल और 2 जवान के भी शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर 45 साल यानी 1975 के बाद ऐसे हालात बने और जब भारत के जवानों की शहादत हुई, इस बार कोई गोली नहीं चला। सैनिक के बीच पथरा हुआ, डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 जवान घायल हो गए और चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम ने इसे कंफर्म कर दिया। तो आपको बता दें कि चीन ने उल्टा भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी रॉयट्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। वहीं चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम ने चीन के विदेश मंत्री के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी हुई है, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। इसके बाद चीन के सैनिकों पर हमला कर दिया, इसी वजह से हिंसक झड़प हुई। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख के आपको मालूम चल गया रहेगा किस तरह बॉर्डर पे अभी एकदम अच्छा हालत नहीं बना हुआ तथा दोनों देशों में तनाव का माहौल बना हुआ। तब दोस्तों, देखने वाली है भैया बातें कि अभी भारत और चाइना एक दूसरे के ऊपर क्या निबंध। तो दोस्तों, अब देखने वाली यह बात रहेगी कि भारत और चाइना अभी इस बात को किस तरह आपस में मिलजुल के सुलझाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।